Good morning, dear students and dear friends. How are you all of you? आज मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी से संबंधित कुछ एक फ्रेजेस सेंटेंसेस लाया हूँ जिसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस हम रिप्लेस कर सकते हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. क्लियर, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो वोकेबलरी शब्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं. फर्स्ट वर्ड जो मैंने सेंटेंसेस में दिया है वो दिया है एम्पथी. एम्पथी का मतलब क्या होता है? आई फील योर सफरिंग, यानी कि जब आप किसी की सफरिंग को, दुख दर्द को अगर आप फील करते हैं, अपने जैसा लेते हैं, तो आप बता सकते हैं एम्पथी. आई फील योर सफरिंग, जैसे कि कोई दुख है, कोई दुख में वही दुख आप अपने ऊपर ले रहे हो. तो सिंपथी क्या होती है? आई केयर अबाउट योर सफरिंग, यानी कि कोई दुख है तो उसके साथ आप जो है सिर्फ सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, उस तरीके का फील नहीं कर रहे जिस तरीके की वो कर रहा है. ठीक है, एक होता है अपेथी. अपेथी क्या होता है? आई डोंट केयर अबाउट योर सफरिंग, यानी कि मैं आपकी किसी भी तरह से परवाह नहीं करता, आपका दुख क्या है, दर्द क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मैं आपका कोई दुख दर्द शेयर नहीं कर रहा हूँ. क्लियर, तो कुछ एक शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स के यूजेस में हम इसको जो है करते हैं. ठीक है, उसी प्रकार देखिए, गिव माय रिगार्ड्स, ये एक सेंटेंस है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं और कौन कौन से वर्ड हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं वो आप देखिए. गिव माय रिगार्ड्स, ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेंट माय बेस्ट समवन या माय बेस्ट ऑफ या बेस्ट टू. ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप उसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं. उसके बाद देखिए आप स्टॉप इट, आप इसके स्थान पर रिप्लेस करने के जगह आप उसको क्या बोल सकते हैं? हैंड्स ऑफ, गिव समथिंग अ रेस्ट, पैक इट इन. सिमिलरली जितने भी वर्ड मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है रिप्लेसिंग वर्ड दिए हुए हैं. ठीक है, अब जैसे आप मानो आप ये बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आई कुड रियली डू विद, आई फील लाइक, आई एम इन द मूड फॉर. सिमिलरली एंड लाइक वाइज वर्ड जो दिए गए हैं आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि हमने ये कैसे यूज़ करने हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए बिकॉज, उसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? नाउ दैट, considering that, as long as, being as, due to, in, as much as a result of. ठीक है, आप इसको replace भी कर सकते हैं. I am angry, इसको आप replace कैसे कर सकते हैं? I don't believe it, what a pain, damn it, get out of my way. Clear, देखिए कितने sentences मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है pick up करके लाया है. उसके बाद देखिए आप हैप्पी बर्थडे आप किस तरीके से बोल सकते हैं, एक कॉमन वर्ड को न्यू वर्ड में आप कैसे इसको रिक्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, आई विश यू अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट वंस, हैव अ फैबुलस बर्थडे, मैनी मैनी सेंटेंसेस इज यूज्ड देयर. आई अग्री, अग्रीड, एब्सोल्युटली, अफर्मेटिव, वी आर ऑफ वन माइंड, नो डाउट अबाउट इट, our thoughts are parallel, definitely. ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए आई लाइक, उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? आई एम रियली इंटो, आई एम अ बिग फैन ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ, आई एम बिग ऑन, आई एम पैशनेट अबाउट, आई एम कीन ऑन, आई एम क्रेजी अबाउट. उसी प्रकार देखिए स्टूपिड, डम, डू, फूल, ब्रेनलेस, इडियट, मोरन, सिल्ली. ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए काम डाउन, रिलैक्स, गिव इट अ रेस्ट, कूल डाउन, टेक अ इजी, टेक इट इजी, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टडी ऑन, चिल आउट. ठीक है, गुड जॉब, मार्वलस, स्टर्लिंग वर्क, रिमार्केबल वर्क, वे टू गो, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, नेल्ड इट, लेट मी नो, कीप मी पोस्टेड, keep me updated, keep me in the loop, keep me informed, get back to me, enlighten me, notify me.
Similarly, hello, how you can use this word on telephonic conversation, on the meeting? Hi there, howdy, greetings, hey, what's up, morning, afternoons, evening, and what's going on, how are things? I'm hungry, I'm starving, I'm famished, my stomach is growling, I'm busy on a wolf. I can eat a whole cow. I've got the munchies. I have an appetite. Similarly, it's difficult. It's a bit tricky. It's challenging. It isn't walk in the park. It's quite hard going. It's daunting. It's tough. It seems arduous. Highly collections, highly recommended, highly effective, highly controversial, highly profitable, highly competitive, highly individual. Get collections, get a call, get a chance, get a clue, get a cold, get a job, get angry. Clear? And this shows, hum ise kaise replace kar sakte hain? This demonstrates, this illustrates, this indicates, this proves, this displays, this portrays, this describes. Usi prakar dekhiye, do it, give it a try, go for it, you can do this. What are you waiting for? What do you have to lose? It's worth a shot. No one's judging you. उसके बाद देखिए आप कैसे कर सकते हैं. आई विल सपोर्ट यू, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. आई एम हियर फॉर यू, आई एम स्टिल चीयरिंग फॉर यू, आई एम बिहाइंड यू 100%, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी, आई गॉट योर बैक, काउंट ऑन माई सपोर्ट, लीन ऑन मी इफ यू नीड टू. क्लियर? उसी प्रकार देखिए आप, इट्स बोरिंग, I dislike it, that's not for me, it's dull, it's not my cup of tea, I was trying off boredom, it's like watching grass grow, it bores me to tears. Clear? उसी प्रकार देखिए, this shows, इसको हम कैसे बोल सकते हैं. This demonstrate, illustrate, indicates. ठीक है ना, ये तो हो चुका था. ये देखिए आप, टेक केयर, बी केयरफुल, गो इजी ऑन योरसेल्फ, स्टे आउट ऑफ ट्रबल, पुट योरसेल्फ फर्स्ट, गो स्टेडी, गॉड स्पीड, बी कॉशियस. उसी प्रकार देखिए, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम बीट, आई एम ड्रेन्ड, आई एम फटीग्ड, आई एम वाइप्ड आउट, आई एम वर्न आउट, आई एम वियरी. उसी प्रकार देखिए, लेजी, Bonded idle, passive, inert, shiftless, work shy, sluggish, inactive. Clear? Hurry up, shake a leg, get a move on, scoot, chop chop, snap it up, step on it, put your skates on. Clear? And it's great, superb. That's first class work. That's better than ever. That's the way. That's the best ever way to go. Marvelous. And in conclusion, to sum up, to in summary, to conclude, in closing, in the end, to summarize, all in all. And for example, for instance, to give an idea as proof, to illustrate, imagine, let's say in particular, I don't like, I'm not fond of, I'm not a big fan of, I'm not real into, I'm not big on, I'm not crazy about, it's not for me, it's not my thing. Clear? Similarly, do collection and do your best, do damage, do an experiment, do exercise, do your hair, do your homework. Clear?
एंड आई एम हंग्री, आई एम फेमिश्ड, आई एम स्टोविंग, फील लाइक ईटिंग, आई एम हंग्री एज अ वुल्फ, आई एम फ्रीकिंग हंग्री, माई स्टमक इज ग्रोलिंग, आई हैव एन एपेटाइट, यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर, डोंट मैंशन इट, यू गॉट इट, नॉट एट ऑल, एनी टाइम, नो वरीज, आई एम हैप्पी टू हेल्प, सिमिलरली हाउ यू and how are you doing, how are things, what's up, what's new, how it is going, how have you been, what is going. Dear friends, why I am showing these all to all of you, that by using many words in such places, such kinds of the sentences, daily uses sentences which is mostly used, we can learn many new things and replacing word so that our impressions may apply to other person. दूसरों के लिए भी हम इसको जो है बोल सकते हैं, नए शब्द हम सीख सकते हैं. सिमिलरली आई एम सॉरी, आई एम सिंसियरली अपोलोजाइज, आई ओ यू एन अपोलोजी, आई वॉज सो सॉरी, आई हैड दैट रॉन्ग, एक्सक्यूज मी, इट्स ऑल माई फॉल्ट, पार्डन मी. सिमिलरली इट्स इम्पॉर्टेंट, it's significant, it's essential, it's considerable, it's notable, it's meaningful, it's substantial, and it's remarkable. I'm busy. Clear. I'm up to my neck. I've lots of do. I'm swamped. I'm tied up. My agenda is full, buried with work. I'm up to my ears. ये हम आई एम बिजी की जगह यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, डूइंग रियली वेल, कुंट बी बेटर, कैंट कंप्लेंट, नेवर बेटर, ओवर द मून, नॉट टू शैबी. क्लियर. डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.